अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नॉलेज। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 2.1 टू 2.5। इस वीडियो में हम इसके दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 2.6 और 2.7। 2.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है और उसकी एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर्स, जबकि वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 मीटर्स का। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड है और जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ट्रेन ने वो है 100 मीटर्स। फाइंड हमने फाइनल वेलोसिटी करनी है। तो इसका सोल्यूशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 2as equals to vf square minus vi square, 2 into acceleration हमारे पास क्या है 0.5, distance कितना travel किया है 100, vf square हमने find करना है तो vf square as it is आ जाएगा और vi square हमारे पास क्या है, vi क्या है 0, तो 0 का square। 2 into 0.5 into 100 multiply करेंगे तो हमारे पास answer 100 आता है और 0 का square 0 ही होगा तो vf square as it is आ जाएगा। हमें सिंपल वी एफ चाहिए तो इस ये हमारे पास वी एफ स्केयर है। इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे स्केयर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लिया, 100 का अंडर रूट और 100 का स्केयर रूट और वी एफ स्केयर का स्केयर रूट। ये स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 100 का जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो वी एफ हमारे पास क्या हो गया 10, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 36, जिसको हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हमारे पास 2.7 की स्टेटमेंट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये ट्रेन है जो कि रेस्ट से मूव की है स्टार्ट करना, ठीक है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है 2 मिनट्स में। इट ट्रेवल एट द स्पीड फॉर 5 मिनट, वो इसी स्पीड के साथ 48 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट्स फर्दर ट्रेवल करती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। फाइनली वो जब रिटार्डेशन करती है उसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो हो जाती है कितने टाइम में 3 मिनट्स में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, अब हमने ट्रेन ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स हैं, पहला क्या कि जब वो रेस्ट से मूव की है कहाँ तक 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कितने मिनट में 2 मिनट में, ये फर्स्ट केस हो गया इसका। सेकंड केस जब उसकी वेलोसिटी सेम रही थी 5 मिनट्स तक, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी वही वेलोसिटी 5 मिनट तक सेम रही थी, फिर उसकी रिटार्डेशन हुई मीन्स के वो 0 पे आ गई कितने मिनट में 3 मिनट में। ये थर्ड केस, ये सेकेंड केस और ये फर्स्ट केस, हमने ये डिस्टेंस हमने ये फाइंड करने हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता मीटर पर सेकंड होता है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड, यहाँ पे 1000 आएगा और 3600 के साथ सॉरी डिवाइड करेंगे और 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। कितने टाइम में मूव की है रेस्ट से फाइनल वेलोसिटी तक 2 मिनट्स में, तो 2 मिनट को जब हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास 2 × 60 क्या हो जाएगा 120 सेकेंड्स। S1 हमने फाइंड करना है, फर्स्ट केस है S1 फाइंड करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा S इज इक्वल टू VT, जो हमारे पास V होगा, ठीक है। V हमारे पास
अब इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे। एवरेज वेलोसिटी को फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। वी आई हमारे पास है 0, वी एफ हमारे पास है 13.33 जो भी हमने फाइंड किया है, डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ, और टी हमारे पास है 120 सेकेंड्स। इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास एस वन आ गया 800 मीटर्स। अब केस सेकेंड है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया था कि वेलोसिटी सेम रहती है 5 मिनट्स तक, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास सेम रहेगी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एस टू हमने फाइंड करना है, एस टू का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वी इंटू टी। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सेम है, 48 ही इनिशियल है, 48 ही फाइनल थी। उसने कहा था कि जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास चेंज होती, इनिशियल वेलोसिटी और होती, फाइनल वेलोसिटी और होती, कम ज़्यादा हो रही होती, तो यहाँ हमने एवरेज यूज़ करना था, क्लियर है। अब जो हमारे पास वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे 13.33 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमारे पास 300 है। 300 कैसे आ गया, क्योंकि 5 मिनट्स थे, 5 मिनट्स को जब 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 सेकेंड्स आ गए हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई फर्दर करेंगे तो 4000 मीटर आ जाएगा। एस टू हमारे पास क्या है, 4000 मीटर। थर्ड केस हमारे पास क्या था, थर्ड केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 48 किलोमीटर पर आवर थी, और रिटार्डेशन हो रही थी, जीरो हो रही थी, कितने टाइम में, 3 मिनट्स में। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 48 थी, तो इसको जब किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया तो सेम वही 13.33 मीटर पर सेकेंड आ गया, और फाइनल वेलोसिटी 0 थी। 2 के साथ इसको डिवाइड किया और टाइम हमारे पास 180 आ गया। 180 किस तरह से आया, क्योंकि 3 मिनट्स था, 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180 सेकेंड्स आ गए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1200 मीटर। एस थ्री हमारे पास क्या आ गया, 1200 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जितना ट्रेन ने ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस क्या है, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। एस वन हमने फाइंड किया 800 मीटर्स, एस टू हमने फाइंड किया 4000 मीटर, और एस थ्री हमने फाइंड किया 1200 मीटर। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 6000 मीटर।